टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 16 में रोज नया बवाल देखने को मिल रहा है, तो वहीं सप्ते घर में शिव ठाकरे कैप्टन बने हैं, जिससे सभी लोग खुश नजर आ रहे हैं। अब बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट को नॉमिनेशन से बचाने का मौका मिलेगा, जिसमें खूब बवाल मचेगा। एक तरफ सुम्बुल तौकीर खान का गुस्सा शालीन भनोट पर निकल जाएगा, तो वहीं साजिद खान भी बिग बॉस के गुस्से का शिकार होंगे। दरअसल इस हफ्ते बिग बॉस में 8 कंटेस्टेंट नॉमिनेटेड हैं और इन्हें बचाने का एक मौका बिग बॉस देते हैं। तो वहीं शो के प्रोमो के मुताबिक नॉमिनेशन से बचने के लिए घर वालों को जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज बनानी है और दूसरे को नॉमिनेट करना है। इस दौरान शिव और साजिद टास्क को लेकर डिस्कशन शुरू कर देते हैं कि उन्हें किसे बचाना है, लेकिन बिग बॉस को दोनों की यह हरकत पसंद नहीं आती। इस वजह से बिग बॉस साजिद को फटकार लगाते हैं। वहीं साजिद की यह हरकत देख टीना भी भड़क जाती हैं, जिस वजह से घर में हंगामा हो जाता है। इस टास्क में प्रियंका चहर चौधरी निमृत कौर आलूवालिया को नॉमिनेट करती है, तो वहीं शालीन भनोट सुम्बुल को नॉमिनेट करते हैं। इस दौरान शालीन सुम्बुल को सबसे कमजोर कंटेस्टेंट बताते हैं, जिस वजह से सुम्बुल भड़क जाती हैं और कहती हैं कि किसी को इतना भी मत रुलाओ कि उसके आंसू ही सूख जाएं। वैसे आपको बता दें, सप्ते प्रियंका चार चौधरी, निमृत कौर आलूवालिया, टीना दत्ता, शालीन भनोट, सौंदर्या, सृजिता, विकास और सुम्बुल नॉमिनेटेड हैं। हालांकि इस टास्क के जरिए कौन इस हफ्ते सेफ होगा, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। वैसे इस स्टोरी पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और बिग बॉस 16 से जुड़ी अपडेट्स लगातार पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें।